बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एयरफोर्स में फॉर्म डालना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, कि जैसे कि एयरफोर्स में फॉर्म डालने के लिए एक्स वाई ग्रुप क्या होता है, एक्स वाई ग्रुप में कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, और पीसीबी और पीसीएम क्या होता है एयरफोर्स में, इसकी क्या वैल्यू होती है। इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक्स वाई ग्रुप क्या होता है, एक्स एक्स ग्रुप में कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वाई ग्रुप में कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग साथ में ये भी जानने वाले हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एयरफोर्स में क्या होता है, और टेक्निकल में कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, और टेक्निकल में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी पीसीबी वाले किस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले किस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं एयरफोर्स में फॉर्म फिल करने के लिए यानी फॉर्म डालने के लिए हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी शैक्षिक योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए। तो एयरफोर्स में फॉर्म डालने के लिए हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12 पास होनी चाहिए, और इसमें और आपकी जैसे एज है, एज आपकी कम से कम 17 साल से, 17.5 साल से लेकिन अधिकतम 19.5 साल तक होनी चाहिए, जो कि एक्स वाई ग्रुप के लिए है। बाकी बहुत सी ट्रेडें होती हैं जो कि एक्स वाई ग्रुप में तो इतनी एज मांगता है, बाकी और सी ट्रेड में एज की थोड़ा सा लिमिट भी ज़्यादा होती है। अब सवाल ये होता है कि एक्स जो एयरफोर्स में एक्स वाई ग्रुप क्या होता है। देखिए बेसिकली एयरफोर्स में जो फॉर्म फिल होता है वो 2 ग्रुप में किया जाता है, जो कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। और एक्स ग्रुप में देखिए टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, और वाई ग्रुप में सारी चीज़ें नॉन टेक्निकल होती हैं। तो एक्स एक्स ग्रुप में कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और वाई ग्रुप में कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और एक्स वाई दोनों ग्रुप में कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी इसको जानने से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि पीसीएम क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो लोगों ने इंटर में मैथ्स लिया होगा तो उनको हम बोलते हैं पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो लोग जो हैं वो एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही वो एक्स वाई दोनों ग्रुप में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने इंटर में इंटरमीडिएट में और पीसीएम लिया होगा वो एक्स और वाई दोनों ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिन लोगों ने इंटर में पीसीबी लिया हो यानी कि बायोलॉजी ली हो तो वो लोग केवल वाई ग्रुप में ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, ये बहुत मेन डिफरेंस होता है जो लोग अक्सर प्रायः कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ से यही चीज़ निकल के आती है कि जो पीसीएम वाले होते हैं वो दोनों ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों ग्रुप में, लेकिन जो लोग पीसीबी होते हैं वो केवल वाई ग्रुप में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात वो नॉन टेक्निकल में ही पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने टेक्निकल यानी एक्स ग्रुप से फॉर्म डाला है तो वो लोग को अगर मान लीजिए उनका एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, वो सारे क्राइटेरिया को जैसे कि एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम के बाद उनका फिजिकल, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद मेडिकल, तो अगर वो सारे चीज़ क्लियर कर लेते हैं तो उनको जॉब मिलती है तो किस पोस्ट में मिलती है। टेक्निकल पोस्ट में कुल मिला के बात ये है कि टेक्निकल पोस्ट में कौन कौन सारी पोस्ट आती हैं। तो देखिए बेसिकली इसमें जैसे कि पोस्ट हैं जैसे कि रडार हो गया, इंजन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एयर फ्रेम जैसे टेक्निकल पोस्ट पे काम करना पड़ता है। और जो लोग वाई ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट और माउंट सेक्शंस और पुलिस, ये कुछ सारी पोस्टें होती हैं जो कि नॉन टेक्निकल में आती हैं। और टेक्निकल नॉन टेक्निकल में मेन डिफरेंस ये भी होता है कि जो टेक्निकल लोग होते हैं उनकी सैलरीज में डिफरेंट होता है, और वाई ग्रुप की भी जो सैलरी होती है उसमें डिफरेंट काफ़ी होता है। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं वो भी एयरफोर्स में, तो आपको बेसिकली इंटर में पीसीएम लेना चाहिए जिससे आप दोनों पोस्ट में यानी एक्स और वाई ग्रुप दोनों में हम अप्लाई कर पाएँ। और ये रिटन एग्ज़ाम पर बेस्ड होता है कि आप किस चीज़ में जाना चाहेंगे, एक्स वाई ग्रुप में, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि एयरफोर्स में एक्स वाई ग्रुप क्या होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या होता है, और पीसीएम पीसीबी वाले किस पोस्ट के लिए यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो चलते चलते फिर एक बार हम जान लेते हैं कि देखिए एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक्स और वाई ग्रुप। जो एक्स ग्रुप होता है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है, और वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है। तो एक्स ग्रुप में वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर में मैथ्स लिया हुआ है यानी स्टडी की हुई है, और तो वो लोग केवल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसमें, एक्स ग्रुप में, और उनके लिए प्लस पॉइंट होता है एडिशनल यानी कि वो साथ में वाई ग्रुप में दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वाई ग्रुप के लिए जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है इसमें केवल वाई ग्रुप के यानी कि जिन्होंने इंटर में पीसीबी लिया हुआ है वही लोग केवल फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
ये लोग वाई यानी कि एक्स ग्रुप वाले जो वाई ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो लोग पीसीएम करते हैं तो वो दोनों चीज़ों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी। लेकिन जो लोग पीसी भी करते हैं यानी बायो लेते हैं वो केवल वाई ग्रुप में ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे कि मैं तुमको पहले ही बता दिया है कि टेक्निकल पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, जैसे रडार, इंजन, एयरफ्रेम, ये सब यानी एक्स ग्रुप में होती हैं पोस्टें, और वाई ग्रुप में जैसे कि मेडिकल और मेडिकल असिस्टेंट, माउंट सेक्शन और पुलिस, ये सब सारी चीज़ें वाई ग्रुप में यानी कि नॉन टेक्निकल में होती हैं। तो पीसीएम और पीसीबी वाले लोग किस ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यानी एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में, और साथ में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट क्या होती हैं ये भी पता चल गया होगा। तो आई होप तो कि आपको कुछ ना कुछ तो पता चल ही गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे पहले ये जानकारी पता थी कि या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो होंगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप देखते रहें स्टडी एंड टैग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग के फैक्ट के साथ। थैंक यू।